हेलो दोस्तों, वाई एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है 7 दिसंबर और अब तक का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हम देखेंगे। दोस्तों इन सब का पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बायोमेट्रिक डेटा के आक्रामक उपयोग के मामले में भारत की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, पांचवी। ठीक है, क्या है, पांचवी रैंक है। ठीक है, और पहले में अगर बात करें तो चीन, मलेशिया, पाकिस्तान और अमेरिका, इसके बाद भारत है। ठीक है, ब्रिटेन की एक टेक रिसर्च फर्म है कंपेरेटिक, उन्होंने 4 दिसंबर को एक रिपोर्ट के अनुसार बायोमेट्रिक डेटा का आक्रामक उपयोग में भारत का 5वां नंबर पर रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत चुनाव आयोग निम्नलिखित में से किस देश के साथ चुनावी प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में सहयोग पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, मालदीव। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी मालदीव। ठीक है, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत के चुनाव आयोग और मालदीव के चुनाव आयोग एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, ये समझौता किस तरह चुनाव प्रक्रिया की तकनीकी को बढ़ाया जाए, इस पर यह समझौता हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, ये 5 दिसंबर को मनाया जाता है और यह 1985 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए स्टेट मधु ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, ठीक है, तो किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए एक मधु ऐप लॉन्च किया है, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, उड़ीसा। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, मधु ऐप क्या है, तो ये एक लर्निंग ऐप है। ठीक है, इस ऐप का नाम उत्कल गौड़ मधुसूदन दास के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब उत्कल गौड़ मधुसूदन दास ये एक व्यक्ति हैं, जो कि व्यक्ति थे जिन्होंने उड़ीसा राज्य के लिए बहुत सारे काम किए। ठीक है, और उड़िया भाषा के लिए भी इन्होंने बहुत सारा योगदान रहा, इसलिए इनके नाम पर ये ऐप लॉन्च किया गया है, मधु ऐप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UNCTAD के बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक क्या है। ठीक है, 2019 में भारत की रैंक क्या है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा 73वां, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, 73वां। ठीक है, अब UNCTAD, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसके द्वारा जारी रिपोर्ट में भारत को 152 देशों में से 73वें स्थान पर रखा है। ठीक है, अब बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स है दोस्तों, ऑनलाइन से खरीदारी के मामले में। ठीक है, ऑनलाइन ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन खरीदारी के मामले में भारत का स्थान क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने तटरक्षक जहाज कामयाब को निम्नलिखित में से किस देश को उपहार में दिया है। ठीक है, तो ये दिया है मालदीव को, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, मालदीव को दिया है। ठीक है, और ये 4 दिसंबर को मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स यानी MNDF को दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉब विलिस का पेशा क्या था, जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये एक क्रिकेटर थे। ठीक है, ये क्रिकेटर थे, ये इंग्लैंड के एक क्रिकेटर थे और ये इंग्लैंड क्रिकेटर के पूर्व कप्तान थे, वो एक तेज गेंदबाज थे। ठीक है, उन्होंने 90 टेस्ट मैच खेले और 325 विकेट लिए हैं, जिससे वो इंग्लैंड के गेंदबाजों की सूची में वो 4थे स्थान पर रहे। उनका निधन 70 वर्ष की आयु में हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए आरक्षण को कितनी अवधि तक बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 10 वर्षों तक बढ़ाया गया है। ठीक है,
ठीक है। और 4 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्यसभा में SC ST के आरक्षण को बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। और ये जो आरक्षण है ये 25 जनवरी 2020 को समाप्त होने वाली थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो द्वारा कौन सा रडार इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया जाना है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी RESET 2BR1। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी RESET 2BR1। रीसेट का मतलब होता है दोस्तों RISAT, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखिएगा RISAT, ठीक है। रीसेट मतलब RESET 2BR1, ठीक है। और ये 11 दिसंबर 2019 को लॉन्च किया जाना है। ये सैटेलाइट कभी भी दिन में रात में पृथ्वी की तस्वीरें ले सकता है और ये 24 घंटा सातों दिन सीमा की निगरानी में मदद करेगा। ये इसे जासूसी उपग्रह के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाबेट का नया CEO कौन है। तो ये कौन है, ये आपका सी सुंदर पिचाई, जिन्होंने हाल ही में अपना पदभार संभाला, ठीक है। पहले गूगल के CEO थे, सुंदर पिचाई पहले गूगल के CEO थे, वो पद छोड़ने के बाद ये अल्फाबेट के अभी CEO हो गए हैं, ठीक है। और अल्फाबेट क्या है कि गूगल का ही एक सहायक कंपनी है, और अल्फाबेट के पहले CEO कौन थे सुंदर पिचाई से पहले, तो ये थे लैरी पेज, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने भारतीय रेलवे को मजबूत करने के लिए JDI पर हस्ताक्षर किया है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जर्मनी, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी जर्मनी, ठीक है। अब JD, ठीक है, JDI, JD मतलब क्या होता है, ज्वाइंट डिक्लेरेशन, यानी संयुक्त घोषणा पत्र, ठीक है। भारत और जर्मनी ने दोनों मिलकर एक घोषणा किया है, और ये JDI का मुख्य उद्देश्य है रेलवे के क्षेत्र में रणनीति परियोजनाओं पर काम करना, यानी रेलवे को बढ़ावा देना और नई नई तकनीक लाना, ठीक है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज इतना ही, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।